रणवीर तो मार्शल होता रणवीर तो मार्शल के लिए। बिल्कुल इत्तेफाक है, एक्टिंग इज़ क्वाइट बाय चांस। मिलिंद उर्के से मैं मिली थी बिकॉज वी वर डिस्कसिंग अ सॉन्ग फॉर द फिल्म, कि मैं इस फिल्म में गाना गाऊंगी, वो भी प्रमोशनल सॉन्ग। तो बातों बातों में ही सडनली रियलाइज ही सेड दैट यू नो व्हाट, आई वुड लव टू यू नो फीचर यू इन दिस फिल्म। तो ऐसे ठीक है वीडियो कर लेते हैं। सो ही सेड नहीं नहीं एक रोल बनाते हैं आपके लिए इसमें। सो ही वॉज एक्चुअली लुकिंग एट अ वुमन विलन, लाइक अ वैम्प का रोल बट विद एक्शन, with a lot of action, because already the villain is Rajesh Khattar. He was looking for like a partner of Rajesh Khattar who can be his accomplice and you know do all the action stunts and ye wo. So I found that very exciting because bahut hi kam jo actresses hain Bollywood mein wo action kam dekhne ko milti hain, to mujhe ye thoda hatke alag sa rare cheez lagi. So I said I would love to you know, so they given me a hunter, to hunter wali hu main isme, to hunter se main logon ko marti hu picture mein. Hi, I'm Ramneetu and today we are shooting here for Ranveer the Marshal, my upcoming movie. ये movie है martial arts के ऊपर, जैसे कि नाम ही बताता है Ranveer the Marshal. तो ये script जब मेरे पास आई, जब मैंने story सुनी, तो I was quite excited because ऐसा कुछ मैंने पहले कभी नहीं किया था. So this was the first time. So it was a total different experience for me. So I just said yes. रणवीर द मार्शल में एक कहानी है माँ बेटे के बीच में. काफ़ी स्ट्रगल्स देखे हैं इन्होंने, खास करके माँ ने. और कहानी ऐसी है कि बेटे को कुछ एक कोई डार्क सीक्रेट है, सैड सीक्रेट है, जो वो अपने बच्चे को नहीं बताती है. तो इसी थ्रेड लाइन के ऊपर हम इस फिल्म कर रहे हैं. नया लड़का है और अच्छे अच्छे लोकेशंस में शूट की है, अच्छे सीन्स कर चुके हम. ये आखिरी आई थिंक ये इसके बाद शायद मेरा कुछ घंटे का काम निकलेगा एंड हम कंप्यूटर कंप्लीट कर चुके हैं. एक्चुअली ये क्लाइमैक्स फाइट में शूट करके हटाऊँ अभी. कल जो फाइनल फाइट थी फाइटर के साथ और आज विलन के साथ जो फाइट थी वो शूट की है. ये एक मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट है जिसे जीतना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है.